जिला के साबा डेरी थाना अंतर्गत 23 मई की रात साबा डेरी में दो गुटों के बीच हुए झगड़े में लोगों को भयंकर चोट आई है। इसी झगड़े में संदीप सिंह नामक युवक के लापता होने की खबर सामने आ रही है। साबा डेरी थाना पुलिस की तीन टीमें संदीप सिंह की तलाश में दिन रात छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक संदीप सिंह का कोई भी सुराग नहीं मिला है। ऐसे में संदीप सिंह के परिवार की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संदीप सिंह के परिजनों द्वारा रोहिणी सेक्टर 24 में सड़क पर यातायात जाम भी किया गया। वहीं साबा डेरी थाना पुलिस द्वारा चार आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। सर, मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या हुआ था उस रात? सर कुछ नहीं, 8 बजे वो घर आए, वो कहते कि सर मेरे किसी दोस्त का बर्थडे है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो मेरे जो मदर इन लॉ है उन्होंने खूब मना करा कि नहीं, रहने तो नहीं जाना, इतनी रात हो गई, 8 बज गए, नहीं जाना। तो सर मैंने 11 बजे फ़ोन करा उनको, मतलब कब आ रहे, तो वो कहते कि बस 10 मिनट में मैं आ गया। सर इतना कह के सर उन्होंने फ़ोन काटा। सर उसके बाद सर कुछ नहीं पता, फ़ोन लगाने के बाद पहले भी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर ऐसा कुछ सर नहीं पता हमें कि लड़ाई झगड़ा है कि नहीं है। सर अच्छा वाला काम करता था वो बंदा, सर नहीं पता कि क्या है नहीं है उसका यारी दोस्ती उसकी। हाँ, ऐसी थी लड़ाई कितनी एज है उनकी? सर 22 होगी। तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हमें भी ना पुलिस को सपोर्ट मिला, उसको क्लू मिला है, ना हमारे पास कोई ऐसा क्लू है, क्योंकि हमारा भाई नहीं हमारे पास। तो क्या चाहते हो? हमारा भाई आ जाए बस, सही सलामत, जैसा घर से गया था मम्मी से परमिशन लेता हूँ वैसे आ जाए बस, और कुछ। मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या गुहार? बस यही चाहती हूँ कि जो भी था मैटर, जो गुनाहगार हैं, जो जहाँ भी मेरा भाई है, ठीक है, जहाँ भी है, उसे सेफली मेरे घर दे दें बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए बस, ठीक ठाक, जैसे मेरा घर से गया था ना मम्मी से परमिशन मांगता हूँ वैसे ही चाहिए। शादीशुदा है वो? हाँ जी, मैरिड है। कितने बच्चे हैं? एक्चुअली उसकी 6 मंथ हुई है मैरिड को, और वो मेरी भाभी है, वो 3 मंथ से प्रेगनेंट है। हम 5 बहन भाई हैं, हम 3 बहनें और मेरे 2 भाई हैं। साबा डेरी थाना पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।